नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। और आज बात नशे के उस वायरस की जिसने देश की राजधानी दिल्ली में कातिल कतार लगा दी। और आज दिल्ली के लोगों ने साबित कर दिया कि उन्हें लॉकडाउन से डर नहीं लगता, शटर डाउन से लगता है, क्योंकि रंगीन पानी के आगे हर डर बेमानी है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए क्यों दिल्ली के लिए जाम जान से ज्यादा अजीज है। वायरस विस्फोट के ठेकेदार दिल्ली में लगी कातिल कतार। महामारी पर मैं खाने की मां, रंगीन पानी के आगे हर डर बेमानी है। इनके लिए जाम है तो जहान है। तो शराबियों को फर्क पड़ेगा, ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कभी डोज नहीं ली दूसरी। लॉकडाउन नहीं, शटर डाउन से डर लगता है साहब। जान पर भारी जाम का प्यार, लोगों की जान जा रही है, इन्हें पीने की पड़ी। कोरोना पर भारी नशे का वायरस। दिल्ली में कोरोना के नए केस हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि दिल्ली सरकार ने 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। लेकिन दिल्ली के लोगों को लॉकडाउन से डर नहीं लगता है, शटर डाउन से लगता है, क्योंकि जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया, दिल्ली के ठेकों पर कातिल कतार लग गई। और न सिर्फ लाइन लगी बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। कई जगह हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या दिल्ली वालों के लिए जाम का प्याला जान से प्यारा हो गया। लॉकडाउन लगा है, उस लोग हैं वो शराब खरीदने के लिए उमड़ पड़े हैं। जहां एक तरफ लोग दवा के लिए जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इनको देखिए कि किस तरीके से ये शराब खरीदने के लिए यहाँ पे उमड़े हैं। कोरोना वायरस बना नशे का वायरस, वैक्सीन से नहीं जाम से बचेगी जान। लोगों की जान जा रही है लेकिन इन्हें जाम की पड़ी है। कोरोना का वायरस काबू हो ना हो, लेकिन इनके नशे का वायरस शांत होते रहना चाहिए। ये देश की राजधानी के वो लोग हैं जिन्हें लॉकडाउन से नहीं शटर डाउन से डर लगता है। जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 दिन के कर्फ्यू का ऐलान किया, शराब के ठेकों पर लंबी लंबी लाइन लग गई। जैसे मानो जाम से बढ़कर इस जहान में कुछ और ना बचा हो। आज सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलुओं के ऊपर, सारी परिस्थिति के ऊपर काफी विस्तार से बातचीत हुई। और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। दिल्ली में लगी कातिल कतार, महामारी में मैं खाने के लिए हाहाकार। गोल मार्केट एरिया, खान मार्केट और कैनॉट प्लेस, हर जगह
भीड़ लग गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है आज से कंप्लीट लॉकडाउन का। अगले सोमवार तक सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। आज 10 बजे से लॉकडाउन कर्फ्यू की शुरुआत होगी, लेकिन उसके पहले दिल्ली के शराब की दुकानों पर असर दिखने लगा है। मैं इस वक्त गोल मार्केट में मौजूद हूँ और देखिए किस तरीके से जो तमाम सारे लोग हैं वो शराब खरीदने के लिए उमड़ पड़े हैं। और ये स्थिति ना सिर्फ गोल मार्केट की है बल्कि समूचे दिल्ली से इस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, जहाँ एक तरफ लोग दवा के लिए जंग लड़ रहे हैं और लोगों को जो है समस्या काफ़ी हो रही है इलाज के लिए, वहीं दूसरी तरफ इनको देखिए कि किस तरीके से ये शराब खरीदने के लिए यहाँ पे उमड़े हैं। देखिए पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पे लगाई गई है ताकि लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग रहे। और ये रोड के उस साइड में दूसरी शराब की दुकान है, वहाँ पे भी कमोबेश ऐसी स्थिति है कि तमाम सारे जो लोग हैं वो उमड़े हैं यहाँ पे। शराब खरीदने आई इस महिला का तर्क सुनेंगे तो सिर पकड़ लेंगे, क्योंकि जाम से वैक्सीन के इंजेक्शन की इतनी हसीन तुलना ना से पहले किसी ने की और ना कोई करेगा। हम लेने आया एक बोतल दो कौए, हाँ। इसलिए लेने आया कि ये अल्को है, इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकती है उतने बंदे सही रहेंगे, जो शराबी है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होगा। मेरे को 35 साल हो गए पीते हुए, मैंने आज तक कभी डोज नहीं ली दूसरी, ये लेती हूँ एक पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। हाँ, ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए। सबसे बड़ी डॉक्टरों के पास बच जाएंगे हम, अस्पताल जाने से अभी तक बचे हुए और आगे भी बचेंगे। जाम के लिए जान का रिस्क, क्योंकि लोगों ने ठेकों के सामने सिर्फ कातिल कतार नहीं लगाई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी, जबकि कई जगह भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि दिल्ली पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी को कोरोना हो और वो इन लाइन में लगा तो क्या वायरस का विस्फोट नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में वायरस की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि 10 में से हर तीसरा आदमी कोरोना के साए से गुजर रहा है। पेटी है, लॉकडाउन है, 7 दिन के लिए बोला गया और पता नहीं कितने दिन तक चलेगा, कुछ कह नहीं सकते। मैंने 8 क्वार्टर लिए हैं, 9 क्वार्टर लिए हैं सर। 1 हफ्ते के लिए बंद रहेगा लॉकडाउन। पिछली बार भी लॉकडाउन में हमने 2000 की विस्कियां खरीदी है। ये सिस्टम पहले 10 दिन पहले बताते तो लोगों को इतनी भीड़ भाड़ के मार न पड़ती। कोरोना का वायरस मिनट में मौत बांट रहा है, महामारी को कैसे कंट्रोल करें ये सोच सरकारों के माथे पर पसीना आ रहा है। लेकिन लोग हैं कि उन्हें मैखाने में मजा आ रहा है। दिल्ली में बेकाबू होते वायरस के चलते ही 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन जिस तरीके से ठेकों के बाहर भीड़ दिखी और जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जाम की एक बोतल की कीमत जिंदगी से ज्यादा है? ये सवाल इन कातिल कतार में खड़े वायरस विस्फोट के इन ठेकेदारों को खुद से पूछना चाहिए। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।